नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के नया मोतीचक दियारा में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इसको लेकर मृतक किसान के परिजनों ने कहा कि नई मोतीचक निवासी खन्ना मंडल का 20 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार नई मोतीचक दियारा में अपनी खेती बाड़ी करने के साथ उसकी रखवाली भी करता था। लोगों ने कहा कि अनुज कुमार शाम 7 बजे मोतीचक दियारा खेत के बासा से जब लापता हो गया तो परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद अज्ञात अपराधियों द्वारा किसान अनुज की बांस से पीट पीट कर हत्या कर देने की जानकारी मिली। वहीं इसके बाद सूचना मिलते ही स्थानीय थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। भाई नहीं गेले घर तब यहाँ चले भाई नहीं चले बसा पर बस आयो रहा। हाँ पापा हमारा बस आये यहाँ खोजल नहीं मिल रहा फिर गेल घर घर पूछल कर फिर अल कैसे फिर पापा अलो रहा यहाँ पूछ देखे ले। जब घर न गेल तो यहाँ पूछल फिर अलग देख यहाँ खोज फिर कैसे जानकारी मिले कि एक हत्या हो गए। अब कैसे होते जब नहीं यहाँ रात हो गए नहीं यहाँ मिल तो भोर का खोज अबे कर दुश्मनी केकरा से दुश्मनी नहीं है ना केकरा से बोलना चल अपना आना जाना है। कल ही निकल रहे घर से रोज आवे छे रोज जाए छे दीरा रोज एकरो रोज के टांग जगह कौन सी नाम कहला जो दीरा के है कौन दीरा कहला शाहबाद मोतीचक दीरा। मधुबनी में अनुमंडल अधिकारी द्वारा कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर भागलपुर के तिलका मांझी स्थित कृषि भवन में बुधवार को विभाग के अधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना पर बैठे कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते दिन मधुबनी में अनुमंडल अधिकारी द्वारा वहां के कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारा गया है, जिसका वे सभी विरोध करते हैं। साथ ही कृषि विभाग पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी विभाग में अगर संबंधित पदाधिकारी से भूल होती है तो आला अधिकारी उसे निलंबित कर सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारना सरासर निंदनीय है। वहीं पदाधिकारियों ने मधुबनी एसडीओ को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि अगर विभाग के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मौके पर कृषि विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीओ मधुबनी के द्वारा जो कृषि पदाधिकारी पर अत्याचार किया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बिहार के सभी प्रमंडल के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी एवं कर्मी धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग काम का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हम लोग अपना न्याय के लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में बुधवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। समकालीन भारत और गांधी के मार्ग और आज के भारत में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं के विषय पर आयोजित संगोष्ठी में गांधी के मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान करने की बात कही गई। इस दौरान परिचर्चा करते हुए देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से पहुंचे विद्वानों ने अपनी बात रखी, जबकि कार्यक्रम में 70 से ज्यादा आलेख भी प्रस्तुत किया गया। बता दें कि गुरुवार को पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह को सेमिनार में सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम के बारे में विभागाध्यक्ष ठीक से बताएंगे, लेकिन गांधी समकालीन भारत और गांधी पर ये विषय रखा गया और मुझे लगता है सही है। गांधी राष्ट्रपिता थे, गांधी ने बहुत कुछ सोचा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। समकालीन भारत में जो कुछ हो रहा है अगर उनके रास्ते से कुछ निदान है तो एक अच्छी बात है और मुझे लगता है एक अच्छा काम विभाग ने किया है कि समकालीन भारत के संदर्भ में गांधी का आकलन करने का प्रयास है कि भारत की जो अभी परिस्थिति है, क्योंकि आज़ादी के पहले जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे पुरखों ने हमारे नायकों ने सपना देखा था और नए भारत के नवनिर्माण की जो कोशिश की गई थी उस कोशिश में हम अभी कहाँ खड़े हैं, अभी हम किस मोड़ पर हैं और हमारे साथ क्या चुनौतियां हैं, क्या हमने जो साझा संकल्प लिया था भारत के पुनर्निर्माण का उस संकल्प की दिशा में हम कहां तक बढ़ पाए हैं, तो उस चुनौतियों का पहचान करना उस पर चर्चा करना ताकि यह एक समाज में मैसेज जा सके कि आज जिस परिस्थिति में हम हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है।
बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत के मेहमतपुर गांव में डीजे बजाने के क्रम में करंट लगने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी का माहौल था, लोग शादी की तैयारी में जुटे थे कि ये हादसा हो गया। मृतक की पहचान शंभुगंज थाना क्षेत्र के गिद्धौरा गांव निवासी सोनू पासवान के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सोनू पासवान अपने ननिहाल मेहमतपुर ममेरी बहन के शादी समारोह में गया था, जहाँ डीजे बजाने के दौरान विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ जाने से मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने विद्युत प्रवाहित तार को काफी मशक्कत कर सोनू के शरीर से अलग किया। इसके बाद परिजनों द्वारा आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए रेफर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक युवक के मामा पंकज पासवान ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी बुधवार को होने वाली थी, जिसके लिए स्वजन शादी समारोह में भाग लेने आए थे और डीजे बजाने के क्रम में उनका भांजा सोनू विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ जाने से मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। कुमार पासवान घर कहाँ हुआ आपका? मोहम्मदपुर। क्या हुआ ये जो मृत है? मेरा शादी घर में था, कल बारात इसका होने किनका बारात आने वाला था? पंकज पासवान का बेटी का। अच्छा, तो इनको कैसे करंट लगा? इसको बिजली में जब उठा के पटक दिया इसको बिजली। और इनका घर कहाँ हुआ? गिद्धौरा। नाम क्या है मृतक का? सोनू पासवान। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना को लेकर घायल मंजू देवी, भरत यादव और सोनाली कुमारी ने बताया कि 4 कट्ठा जमीन के विवाद को लेकर उनकी गोतियों ने मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया। घायल महिलाओं ने बताया कि राकेश कुमार, संतोष यादव, छोटू कुमार, दिनेश यादव, पोलो भगत और सुनीता देवी ने मिलकर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास में है, लेकिन इसका विरोध करने पर सभी ने हॉकी स्टिक, लाठी, डंडा, रॉड से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें वे सभी घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। हुआ कि मेरा जमीन था, वो बलजबरी जो है। कितना जमीन आपका है? कितना जमीन है आपका? 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा? हाँ, हमारा बाप के नाम से 4 कट्ठा है। हाँ, वो कहता है कि नहीं, हमारा भी है। कौन कहता है? मैंने यही चचा के बेटा लोग जो है, गोतिया लोग जी। कौन कौन लोग? दिनेश यादव और राम श्रेय, संतोष और राकेश और छोटू, ये सब मिल करके। हाँ, बस ये सब मिल करके चारों पांचों, उसका पुत्र सुनीता देवी है, वो जो है वो सब मिल करके जो है ना, हम लोग के कोई ना, हमारा लोग के बाल बच्चा बाहर रहता है, नौकरी सर्विस करता है, जमीन पे कब्जा करता था। हाँ। जी, बलजबरी घर बनाने के लिए वो लोग मैंने की बोलना कि नहीं, मेरा जमीन है, जो कि कागज के वाला सब दिखाए मैंने, सब यहाँ थाना उना में सब जो है आपके नाम से। हाँ, मेरा बाबूजी के नाम से है। तो आप मना किए तो लोग क्या किया? वो बलजबरी नहीं, मारने लगा कि नहीं हम बनाएंगे, देखिए मारपीट करके कपाल। क्या चीज से मारा है जी? क्या चीज से मारा है? ये रट लाया था वहाँ से, नौकरी पर से, आर्मी में से मिलता है रट जो है, कपड़ा में लपेट करके रखा था लाठी जी, मछली लोहा के था। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खगड़िया के गोगरी प्रखंड अंतर्गत बलतारा पंचायत फुलबरिया गांव में आग लग जाने के कारण एक घर जलकर तबाह हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आग करीब शाम 7:30 बजे लगी थी, जिसमें फुलबरिया गांव के वार्ड नंबर निवासी जयप्रकाश सिंह के 5 घर इसकी चपेट में आ गए। वहीं इस आगजनी की घटना में घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल की मदद से बाद में आग पर काबू पाया जा
जा सका। भागलपुर के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 33वां राष्ट्रीय खेलकूद टेबल टेनिस का समापन मंगलवार को हो गया। अंडर 14 बालक वर्ग में दक्षिण मध्य की टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान पर ईस्ट यूपी और तीसरे स्थान पर राजस्थान क्षेत्र की टीम रही। वहीं अंडर 14 बालिका वर्ग में ईस्ट यूपी पहले, दक्षिण मध्य क्षेत्र दूसरे और राजस्थान क्षेत्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा अंडर 17 बालक बालिका वर्ग, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने देश भर से आए खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की, जबकि क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक ब्रह्मदेव प्रसाद ने छात्रों को बताया कि विद्या भारती को ACGFI में मान्यता मिली हुई है और प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में विद्या भारती स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विद्या भारती के 11 क्षेत्रों से आई 34 टीम के 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखाया। वहीं इस दौरान विद्या भारती के पदाधिकारियों और शिक्षकों द्वारा सभी विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।